The famous Kamakhya temple at Guwahati is all decked up for special prayers that are being offered inside, with hundreds and thousands of devotees turning up today as a part of offering special prayers, to be part of the special prayers that are being organized at Kamakhya Devalaya as a mark of celebrations of the consecration of Ram Mandir in Ayodhya. You can see here in hundreds of people have turned up. In fact, many people have decided to choose today's day as an auspicious day to hold weddings in the temple premises. You can see people here celebrating the congregation of Lord Ram in Ayodhya through the special prayers which are being organized. Special yajna has been organized. The devotees who have come, they have been offered special bhog as well, special prasad. So there is a sense of celebration today. Usually hundreds of people every day come here at Kamakhya Devalaya, but today is a special occasion. In fact, there are a lot of flags being put up inside the Kamakhya Devalaya, Kamakhya temple premises, to mark the occasion. इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कामाख्या मंदिर के दोलोई हिमाद्री शर्मा जी. हिमाद्री शर्मा जी, आज बहुत भीड़ देखने को मिल रही है. कामाख्या मंदिर अपनी एक अनोखी जगह है, एक अनोखी धार्मिक जगह है, और आज पूरे देश में एक लहर है, राम जी की लहर है. क्या क्या इंतजाम हुए हैं कामाख्या मंदिर में? हमने सुना है कि कुछ पूजा हो रही है, कुछ यज्ञ हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है? पहले तो नमस्कार. कामाख्या मंदिर देवालय कर्तृपक्ष के तरफ से सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज विशेष दिन है हम लोग के लिए, सौभाग्य के दिन है, क्योंकि रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है. हम लोग जब प्रातः मंदिर स्नान से खोल देते हैं, उसी टाइम से हम लोग का प्रोग्राम, आज जो विशेष विशेष जो कार्यक्रम हम लोग रखा है वो चल रहा है. सुबह जो नित्य पूजा हुआ था वो भी विशेष हुआ आज, और जो अभी जो भोग लगेगा वो भी 56 भोग का हम लोग इंतज़ाम किया है, और जो भी भक्तजन यहाँ पे आ रहा है सभी को भोग प्रसाद देने की हम लोग व्यवस्था किया है. और ये हम लोग इसलिए भी कर रहा है कि आज राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो इसलिए भी हम लोग जो व्यवस्था है वो बहुत सारा व्यवस्था किया है. जैसे संध्या जब आरती होगा उस टाइम में हम लोग लाखों से भी अधिक बंती प्रज्वलन होगा, जिससे कि हम लोग सबको, सभी को प्रार्थना माँ स्वीकार करें और रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा में कोई रुकावट ना हो, बहुत बढ़िया से ये कार्यक्रम संपूर्ण हो. इसी के साथ हम लोग सब सभी भक्तजन को अपना तरफ से जो शुभकामनाएँ हैं वो दे रहा है. और बहुत लोग शादियों के लिए भी आ जा रहे हैं इस दिन में. इस अनोखा दिन है, बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं अब. हाँ हाँ, आज क्योंकि विशेष दिन है, और ये जो महीना है ये माघ महीना है. इस महीना में हम लोग का जो असम का कल्चर है वो संस्कृति में, संस्कार में सभी शादियाँ, अन्नप्रसन्न, जितना भी शुभ मुहूर्त होता है इस महीना में पड़ता है. और क्योंकि आज विशेष दिन है, रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो लोग उत्सुक हैं, और लोग ये दिन में ही सभी ने वो अरेंजमेंट करने का, शादी का दिन, शुभ मुहूर्त जो है आज ही का दिन में सब लोग फिक्स किया है. और ये जो अभी दिख रहा है अब इतना भीड़ है, ये भीड़ अभी और बढ़ेगा, क्योंकि अभी राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो और बढ़ेगा. और जो अन्नप्रसन्न या कोई शुभ मुहूर्त होगा और विशेष विशेष चीज़ों के लिए आदमी लोग आता रहेगा, तो आज बहुत ही भीड़ परिलक्षित हो रहा है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कामाख्या देवालय असम में बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, क्योंकि आज के दिन लोग यहाँ पे आके भगवान को प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान राम को यहाँ से प्रार्थना करना चाहते हैं. और बहुत सारी शादियाँ भी आज यहाँ पे हो रही है. इस तरह असम के लोग पूरे देश के साथ अयोध्या में राम मंदिर में जो राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको यहाँ पे इस तरह से कामाख्या मंदिर में दर्शन करके लोग इसको मना रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पे भक्तों का समागम हो रहा है. कामाख्या मंदिर से नकुल राभा के साथ रत्नदीप चौधरी.